हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ए टैप ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम एक आरसीसी बिल्डिंग डिज़ाइन और एनालिसिस करेंगे विदाउट एनी लैटरल फोर्स, यानी केवल स्टैटिक लोड्स होंगे हमारे पास, डेड लोड और लाइव लोड। और आगे आने वाली वीडियो में फिर हम स्टैटिक डायनेमिक भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक प्लान है। उस प्लान में डिफरेंट टाइप की कॉलम है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के बीम का साइज गिवन है, नंबर ऑफ फ्लोर हमारे 7 फ्लोर हैं, ईच फ्लोर 3.2 है। इसमें एक लगा हुआ डेड लोड जिसमें हमारे ये लोड लगे हुए हैं, सेल्फ वेट एंड वॉल लोड। फिर हमारा लाइव लोड है, फिर लोड कॉम्बिनेशन है, फिर ये कुछ डिजाइन प्रॉपर्टीज हैं और फिर हम इसको डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रिड डिफाइन करनी होगी। फर्स्ट स्टेप होता है वो ग्रिड डिफाइन अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। तो देखिए, इस प्लान के लिए ग्रिड कैसे करनी होगी डिफाइन। ये हमारा होता है वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बताइए मुझे एक्स में कितने लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4। अब उनकी सबकी स्पेसिंग 5 5 है, लेकिन हमारी वाई में कितनी लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4, और इनकी भी अलग अलग स्पेसिंग है, तो एक कस्टम ग्रिड से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐड न्यू, हमें SI यूनिट और इंडियन कोड सेलेक्ट कर लिए हैं, ओके किया। अब देखिए, हमें कस्टम ग्रिड डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट स्पेसिंग क्या है हमारी, एक्स डायरेक्शन में 5 5 5, 3 स्पेसिंग है 5 5 5, एंड वाई में 5 4 4, तो 5 5 5 5 4 4। चलिए, तो हम यहाँ स्पेसिंग कर लेते हैं, डायरेक्ट स्पेसिंग डालेंगे। तो ये हमारा 5 फिर 5 फिर 5 और लास्ट वाला 0। इस तरह हमारा वाई में क्या है, 5 4 4। देखिए, इसी तरह की हमारी ग्रिड है। ग्रिड का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारी ग्रिड हो गई, ओके। अब हम हमारा जो स्टोरेज हाइट है, हमारे 7 स्टोरे हैं, डाटा में गिवन है, देखिए 7 स्टोरेज, ईच स्टोर 3.2। तो यहाँ पे हमने डाला 7 और ईच स्टोरेज, बॉटम स्टोरेज भी और टिपिकल स्टोरेज भी सब 3.2 मीटर, और ओके कर देते हैं। ये हो गया। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ग्रिड डिफाइन करना। सेकंड स्टेप होता है मटेरियल डिफाइन करना। तो हमारे पास दो तरह के मटेरियल हैं, एक है हमारे पास स्टील FY415 और कंक्रीट M30। तो दोनों डिफाइन करते हैं। चलिए, तो उसके लिए हम गो टू डिफाइन मटेरियल, ऐड न्यू मटेरियल, इंडियन कंक्रीट M30, ओके। यहाँ पे टाइटल M30 है, इसको 25 कर देते हैं, जो हम मैनुअल कैलकुलेशन लेते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ RCC 25। ये ओके किया हमने, ये आ गया। अब एक और मटेरियल ऐड कर लेते हैं, FY415 इंडिया रेबर बोलते हैं हम स्टील रिइंफोर्समेंट को, HYSD ग्रेड 415, ओके किया। यहाँ इसका टाइटल डाल देते हैं FY, ओके। तो ये हो गया हमारा, इसको भी ओके कर देते हैं। तो दोनों मटेरियल हमारे डिफाइन हो चुके हैं, फर्स्ट स्टेप ग्रेड, सेकंड स्टेप मटेरियल, थर्ड है हमारे को हमारे एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं, बीम कॉलम स्लैब, ठीक है। इसमें मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, इसमें हमारी स्लैब भी है, यहां पे डाल देते हैं हम स्लैब। स्लैब 150 mm थिकनेस है एंड M25 ग्रेड है कंक्रीट का, ठीक है। तो एक कंक्रीट और हमें डिफाइन करना है M25। तो डिफाइन मटेरियल, एड न्यू इंडियन कंक्रीट M25, ओके 25, ओके। अब हमारे पास तीनों मटेरियल आ चुके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमें, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से, बीम कॉलम स्लैब, तीनों चीज डिफाइन करने। सबसे पहले हम बीम डिफाइन करते हैं। तो बीम का साइज क्या है हमारे पास, एक ही बीम है
600 बाय 300, 600 हमारी डेप्थ है और 300 हमारी विड्थ है। तो ये हमें कंक्रीट M30 का डिफाइन करना है। चलिए तो डिफाइन सेक्शन फ्रेम एड न्यू रेक्टेंगल, देन डेप्थ हमारी थी 600 mm और विड्थ थी हमारी 300 mm और कंक्रीट था हमारा M30 और इसका नाम क्या है बीम। ओके कर दिया, देखिए हमारा बीम डिफाइन हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे तीन तरह के कॉलम, 600 बाय 300, एक उसका उल्टा 300 बाय 600, एक हमारा 450 बाय 450, तीन कॉलम है हमारे। तो उनको कलर के नाम से नाम रीनेम कर देते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो एड न्यू रेक्टेंगल कॉलम है, तो सबसे पहला है हमारा रेड कॉलम। रेड कॉलम का ग्रेड तो M30 है और साइज क्या है हमारे एक बार देख लेते हैं, 600 बाय 300, यानी कि डेप्थ हमारी 600 है और विड्थ हमारी 300 है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं हम, कौन सा कॉलम है हमारा, ग्रीन कॉलम। ग्रीन कॉलम M30 साइज और इसका उल्टा है, डेप्थ इसकी 300 है और विड्थ इसकी 600 है। ओके कर दिया, ग्रीन कॉलम हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लू कॉलम जो स्क्वायर है 450 बाय 450। तो एड न्यू कॉलम ब्लू कॉलम M30 और 450 बाय 450। ओके, ये हमारे तीन कॉलम हो गए। अब हम ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह से, इस तरह से बना हुआ है हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना हुआ है, ये इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम बीम ले लेते हैं, बीम, और यहाँ पे करते हैं ऑल स्टोरी। तो बीम हमारे यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ था बीम, तो इसको तो हम ऐसे ही डिफाइन कर देंगे, सारे बीम का साइज सेम है, ठीक है। अब बात करें कॉलम की, और कॉलम में सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं रेड कॉलम। रेड कॉलम, अब रेड कॉलम हमारा कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीन कॉलम यहाँ पे हैं और दो कॉलम यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके दो ब्लू कॉलम है, ब्लू कॉलम कहाँ पर है आपके, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसके बाद ग्रीन कॉलम, ग्रीन कॉलम आपके यहाँ है और यहाँ है और। तो ये हमारे कॉलम डिफाइन हो चुके हैं और स्ट्रक्चर हमारा मॉडलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सपोर्ट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लान पे और बेस पे जाएंगे और हम यहाँ पे करेंगे सिंगल स्टोरी और सारे जॉइंट्स सेलेक्ट करके ड्रैग करके असाइन सपोर्ट फिक्स, ठीक है। एक चीज और हम डिफाइन करना भूल गए, स्लैब एलिमेंट, तो वो भी डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन सेक्शन स्लैब एड न्यू, तो स्लैब हमारी 150 mm की है तो 150 mm टाइटल डाल देते हैं और कंक्रीट M25 था, ठीक है, और 150 mm यहाँ पे थिकनेस। ओके, अब हम स्लैब ड्रॉ करेंगे, तो ये स्लैब यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे 150 mm स्लैब, एक स्लैब यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सॉरी हमें यहाँ करना पड़ेगा ऑल स्टोरी। ये हो चुकी स्लैब, अब हमें जो बेस पे स्लैब है वो डिलीट करनी है, तो हमने वन स्टोरी किया और बेस की स्लैब सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। तो ये है आपका मॉडल, एक बार ग्रिड को हाइड कर लेते हैं,
एक बार हम स्ट्रक्चर को स्टोरी वाइज कलरफुल देख लेते हैं विथ एक्सट्रूड। ये देखिए ये है हमारी बिल्डिंग। अब एक्सट्रूड हटा देते हैं, कलर वाइज रहने देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लोड डिफाइन करना। तो सबसे पहले सेल्फ एट तो ऑटोमेटिक लगा ही होता है हमारे स्ट्रक्चर पे, ई टाइप में ऑटोमेटिक लग जाता है, तो इसको तो जरूरत ही नहीं है हमें। डेड लोड के अंदर ही हमारा कुछ वॉल लोड भी है। तो सबसे पहला वॉल लोड है 230 mm की थिकनेस की वॉल, फिर इनर वॉल, फिर पैरापेट वॉल। पहले इनकी वैल्यू में लोड की कैलकुलेट करनी होगी। जैसे कि ये है तो इसका लोड बराबर वैल्यू क्या होगी आपकी, 0.230। अगर आपको वॉल लोड निकालना है तो क्या होता है, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय वॉल की हाइट 3.2 होगी, क्योंकि हमारी फ्लोर हाइट 3.2 है, इनटू डेंसिटी, ब्रिक डेंसिटी हम ले लेते हैं 20 किलो न्यूटन पर मीटर की। तो इससे हमारा लोड आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से हम तीनों का लोड निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका, तो कितना है, 0.23 थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 20 डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय हाइट 3.2। तो ये आ गया आपका 14.72 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट वॉल का निकालते हैं, इसका हाफ ही होगा, थिकनेस हाफ है, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 7.36। नेक्स्ट आपका ये 100 mm की वॉल है, तो 0.1 इंटू 20 इंटू हाइट क्या होगी इसकी, देखो दोबारा से करते हैं, थिकनेस है हमारे पैरापेट की 1.1 मीटर, और डेंसिटी हुई 20, और जिसकी हाइट है वो 1 मीटर है, तो ये आ गया 2। ये हमारे पास तीन लोड आ चुके हैं। तो सबसे यूडीएल होंगे, यूडीएल की फॉर्म है, तो यूडीएल डिफाइन करने होंगे हमें तीन, तो ऐड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लगाते हैं आउटर वॉल लोड। आउटर वॉल लोड कहाँ लगेगा हमारा, आउटर वॉल पे, जिसमें दिखाए थे आपको। ये अगर हम प्लान लें तो हमारा अगर आउटर लोड लगेगा, वो लगेगा यहाँ आउटर में बिल्डिंग के। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये रूफ पे नहीं लगेगा, रूफ से नीचे वाले फ्लोर पे, आउटर पे लोड लगेगा हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है स्ट्रक्चर उस तरीके से। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, प्लान पे गया मैं, और मैंने किया यहाँ पे ऑल स्टोरी, और यहाँ पे मैंने एक बीम सिलेक्ट किया, सॉरी सबसे पहले उससे भी अच्छा तरीका, आप कॉलम हाइट कर दो और स्लैब भी। तो मैंने इस पर टिक किया और इसको कॉलम एंड फ्लोर हटा दिया, ओके किया। देखिए अब बीम रह गए केवल। प्लान पे गया मैं, और अब मैंने क्या किया, ऐसे करके सारे बीम सिलेक्ट कर लिए। देखिए सारे बीम सिलेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे किया वन स्टोरी, और इस वाले बीम को हटा दिया। ये स्टोरी वाइज कलर हटा देते हैं, इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि सिलेक्ट है या नहीं है ना, ऑब्जेक्ट टाइप रहने देते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा प्लान पे जाते हैं, और हमने ये देखिए अब पता चल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। सॉरी ऑल स्टोरी करना होगा, ड्रैग करके हमें सेलेक्ट करिए, ऑल स्टोरेज क्या, वो नीचे तक हमारे सारे बीम सेलेक्ट हो गए, लेकिन हमें ऊपर वाले तो नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पैरापेट लगे, तो हमने वन स्टोरेज किया और इनको डिसलेक्ट कर दिया क्लिक करके। तो इस तरह से हमने आउटर वाले नीचे वाले सारे बीम सेलेक्ट कर लिए। अब इस पर लोड लगा देते हैं, असाइन फ्रेम लोड यूडीएल, डेड लोड के अंदर 14.72 आउटर वॉल लोड, ओके किया। ये देखिए यही हम चाहते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने प्लान पे गया, पैरापिट हमारा 2 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम,
वन स्टोरे रखते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए 3D में देखते हैं, केवल ऊपर वाले सिलेक्ट हैं। तो असाइन फ्रेम लोड UDL डेड लोड के अंदर ही 2, ये लग गया। ठीक है, ऊपर 2 लगा हुआ है देखिए और नीचे 14.2। अब जो अंदर वाले बीम है, ऊपर के छोड़कर जो नी प्रूफ के छोड़कर जो बचे बीम है नी अंदर वाले, उन पे कितना लगना है लोड 7.36। ठीक है, तो अब इनको देखिए कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने का तरीका भी बहुत जरूरी है ना। तो मैं गया प्लान पे, सेम जैसे आउटर सिलेक्ट किए थे मैंने, किया ऑल स्टोरेज और मैंने क्लिक किया इनर बीम्स पे, तो नीचे तक सारे बीम सिलेक्ट हो गए। ठीक है, चार ही बीम है इनर, देखिए। फिर मैंने वन स्टोरी किया और ऊपर वाले डिसलेक्ट कर दिया। अब अंदर वाले सारे सिलेक्ट हैं। अब असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है 7.36, आपका डेड लोड लगा हुआ है वॉल का, ये लग चुका है। ठीक है, तो हमारे पास डेड लोड सारे लग चुके हैं। अब आते हैं बात लाइव लोड की। इसकी तो लाइव लोड की फॉर्म देखिए, मीटर पर स्क्वायर है, यानी कि मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का मतलब है सेल्स लोड लगेगा, सेल के ऊपर बीम के ऊपर नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर जाके हम सारी चीजें एक्टिवेट कर लेते हैं, कॉलम भी, और ऐसा करते हैं अब हम कॉलम और सब चीज सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्लोर भी ओके, सब चीजें आ गई, प्लान पे गए। तो जो रूप वाली हमारी ये वाले जो हमारी वो है क्या कहते हैं स्लैब, इन पे है 1.5 और सिंचे इतनी स्लैब है, उस पर लाइव लोड लगा 3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वन स्टोरे किया और ऊपर वाली स्लैब सिलेक्ट कर ली, और यहाँ असाइन सेल्स लोड यूनिफॉर्म लाइव लोड के अंदर 1.5 और ओके कर दिया। देखिए 1.5 लग गया, ये केवल टॉप पे लगा है। ठीक है, फिर हमने किया ऑल स्टोरे और हमने क्या किया, सारे सिलेक्ट कर ली स्लैब। प्लान पे गए और यहाँ पे वन स्टोरे किया और फिर हमने यहां से टिक हटा दिया। देखिए यहाँ सारे स्लैब सिलेक्ट हैं, बीम भी सिलेक्ट हैं, पर सेल्स लोड केवल सेल्स पे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स लोड और हमारे नीचे के लोड पे कितना लग रहा है, नीचे के स्लैब पे 3। देखिए अब ऊपर 1.5 नीचे 3, ये तो हम चाहते थे। तो हमारा डेड लोड भी लग चुका है और लाइव लोड भी लग चुका है। अब उसके बाद हमारा आता है कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन है केवल, 1.5 और 1.2। तो बनाते हैं इनको, तो हम गए डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन एड, यहाँ पे टाइटल डाला 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे एक और लोड ऐड किया, इसको किया लाइव, और फैक्टर यहाँ पे दोनों में डाला 1.5 और ओके कर दिया। ये बन चुका है, एक दोबारा ऐड किया, दूसरा फैक्टर क्या है कॉम्बिनेशन 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लाइव ब्रैकेट बंद। एक और लोड यहाँ पे ऐड किया और इसको किया हमने लाइव और 1.2 ओके कर दिया। तो दोनों कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, ओके किया। डिजाइन में जाके हमें कंक्रीट डिजाइन में कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेने होते हैं, दोनों इधर आ गए ओके। अब करते हैं एनालिसिस। उससे पहले एक चीज और रह गई है हमारी, क्लियर कवर जो बीम के लिए है 25, कॉलम के लिए है हमारा 40। तो ये कैसे देंगे देखिए, सबसे पहले आप जाइए डिफाइन जो आपने सेक्शन बनाया, सेक्शन फ्रेम और बीम पे डबल क्लिक कीजिए तो बीम मॉडिफिकेशन खुल जाएगा। इसमें आपको जाना है मॉडिफाई शो रैबर और यहाँ पे करना है आपको बीम, और क्लियर कवर कितना है 25 25, और स्टील कौन सा लेंगे यहाँ पे हम FY 415, ओके कर देंगे। इसी तरह हमें ओके करने के बाद जाना है कॉलम पर, कहाँ गया आपके कॉलम, 3 कॉलम है तो ब्लू पे गए पहले हम, और यहाँ मॉडिफाई, यहाँ कॉलम ही रहेगा और यहाँ पे रहेगा 40, क्लियर कवर 40 है डिफॉल्ट, यहाँ पे स्टील 415 ले लेना आपको बस, और ओके कर देना। तो ब्लू हो चुका है, अब ग्रीन कर लेते हैं,
मॉडिफाई यहाँ केवल हमें स्टील करना है क्योंकि क्लियर कोड का पहले से सेट है 4 TD4। ओके अब रेड कर लेते हैं, तो सारा हमारा इनपुट का काम हो चुका है, केवल अब सॉफ्टवेयर का काम है एनालिसिस करने का और डिजाइन करने का। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, यहाँ लिख देते हैं RCC बिल्डिंग डिजाइन। एनालिसिस हो रहा है अभी, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। ये जो फर्स्ट हमारी फॉर्म आई है डिफॉर्म, हम माउस ले आते हैं किसी भी जॉइंट पे, तो उस जॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन और कितना रोटेशन हुआ है वो सब दिखा रहा है। देखिए क्या लिखा रहा है, जॉइंट नंबर 1, ये जॉइंट नंबर लेवल 9 और स्टोरेज 7th स्टोरेज का जॉइंट है, जिसमें एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन इतने mm है, वाई में इतना है, जेड में इतना है और वहां पर रोटेशन इतना इतना रेडियन है। ठीक है, ये तो डिफॉर्मेशन शेप हो गई। एक एक चीज देखते हैं चल के यहाँ पे। सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हमारा बन जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन को लेके सॉरी, तो फर्स्ट इससे आइकन से क्या होता है अनडिफॉर्म शेप आ जाती है, इससे क्या होता है जॉइंट फोर्स दिखाता है, कोई जॉइंट फोर्स है नहीं इसलिए इसका ओके का बटन लॉक है। इसके बाद ये फ्रेम लोड दिखाता है, इस पे क्लिक करके हमने डेड दिखाएंगे तो डेड आ जाएगा और लाइव करेंगे तो लाइव आ जाएगा। लाइव कोई है ही नहीं फ्रेम में, सेल्स में है लाइव, तो सेल्स में डेड नहीं होगा लाइव होगा केवल। ये देखिए इसके बाद ये आता है आपका डिफॉर्म शेप, किसके वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से देखते हैं 1.5, ये कॉम्बिनेशन की वजह से है। और इसमें हम एक चीज और कर लेते हैं, कंटूर डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से कंटूर ये डिस्प्लेसमेंट है कलर के अकॉर्डिंग, और इसको आप एनिमेट भी कर सकते हो। टैब में थोड़ा साउंड आता है, कोई चीज़ें नहीं होती है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन की वजह से, कॉम्बिनेशन लग रहा है और हटा है तो डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो दिखा रहे हैं। इससे तरह से बिल्डिंग वाइब्रेट नहीं करेगी, वो सीज़मिक में करती है आपके में, ये केवल दिखा रहा है कि कैसे डिफॉर्मेशन जा रहा है। तो यहाँ पे डिफाइन देखिए 300 स्केल लिया हुआ, अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ तो एक्चुअल डिफॉर्मेशन दिखेगा जो हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं शायद, देखिए बहुत कम डिफॉर्मेशन है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्केल बढ़ा देते हैं, जिससे हमें बिल्डिंग का 500 कर देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा डिफॉर्मेशन दिखेगा। ये देखिए, तो ये इससे डिफॉर्मेशन चेक करते हैं, इससे हम रिएक्शन चेक करते हैं, FY में कॉम्बिनेशन की वजह से चेक करते हैं। ये रिएक्शन से देखिए नीचे, नेक्स्ट है आपका बेंडिंग में शेप डायग्राम, इस पर क्लिक करते हैं तो इससे आता है बेंडिंग में, लेकिन हम वैल्यू में चेक करेंगे कॉम्बिनेशन की वजह से विथ वैल्यू। ये बेंडिंग में डायग्राम है, इसी तरह से हम शेयर फोर्स डायग्राम चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसके बाद आपको स्लैब के बारे में, स्लैब में स्ट्रेसेस, तो कॉम्बिनेशन की वजह से F1 ये टाइप ऑफ स्ट्रेसेस है, शो लाइन शो वैल्यू भी कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेसेस है, देखिए वैल्यू भी दिखा रहा है। दोबारा जाते हैं इस पे और हम यहाँ करते हैं स्ट्रेसेस इन सेल्स, विजिबल फेस में ही वैल्यू दिखाई है। ये देखिए ये स्ट्रेसेस है, तो ये सारा डाटा हो चुका है। अब करते हैं डिजाइन, डिजाइन में गए कंक्रीट डिजाइन और स्टार्ट डिजाइन। देखिए चौ ब्लिंक हो रहे हैं, सब डिजाइन कर रहा है बड़ी फास्ट, अभी कॉलम कर रहा है। देखिए हर बीम के ऊपर एक, इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए इस बीम के ऊपर जो इस साइड में स्टील डलेगा वो 570 mm², इधर 570 mm², यहाँ पे बेंडिंग में डाउन में ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है तो 570, नेगेटिव कम है तो 143, और यहाँ पे देखिए 570 नीचे 570 ऊपर, इस तरह कॉलम में देखिए आप 1440 mm². इनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या, राइट क्लिक करिए किसी भी पीस पे तो ये डाटा आता है। ये कॉम्बिनेशन की वजह से स्टील है, लेकिन हम एनवेलप करके देख लेते हैं, समरी रेट चेक कर लेते हैं इस बीम की। तो देखिए इस बीम के ई टाइप कंक्रीट फ्रेम डिजाइन अकॉर्डिंग टू IS कोड, ठीक
ठीक है, ये आपका बीम है, और ये आपका स्टोरेज 7 का बीम नंबर, ये बीम का डाटा है, ये बीम का ये साइज है आपका, ये क्या बीम का साइज था, ये बीम का ई कितना है, ग्रेड कितना है, ये सब है, और यहाँ पे डिजाइन पैरामीटर यानी कि इफेक्ट ऑफ सेफ्टी लिए हुए इन्होंने। यहाँ पे ये बता रहा है कि डिजाइन मोमेंट कितनी कितनी आई है, शियर कितनी आया है, टॉर्जन कितना आया है, और यहाँ पे देखिए स्टील इस बीम में, ये है आपका स्टील, टॉप पे कितना आया है और ये बॉटम में कितना है एमएम स्क्वायर में। अच्छा ये तो हो गया कि आपको बता दिया बीम ने कितने एमएम स्क्वायर, पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे भाई, ठीक है 570 ये तीन जगह कैसे दिखा रहा है, और इनको बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ बार कितने होंगे, उनकी स्पेसिंग क्या होगी, तो उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे हम। उसके लिए हम एक कोड फॉलो करते हैं जिसका नाम है SP34 इंडियन कोड फॉर रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग, गूगल पे लिख के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि उसकी लंबी वीडियो बन जाएगी और समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे इस एरिया को कन्वर्ट करते हैं बार में और कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हम बोलते हैं रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग। एक इस कोड में काफी कुछ दिया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉडल एक्सप्लोर की और अदर थिंग्स की। तो थैंक यू, प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी इससे कुछ फायदा हुआ हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।